सनोज जी, आप मुझे बताएंगे कि आप भी पशुपालन करते हैं, तो आपने जो गाय रखी हुई है वो आपने अपने दोहन के लिए रखी हुई है या व्यवसायिक तौर पे आप ये काम करते हैं? नहीं सर, हम लोगों ने जो रखे हुए वो प्योर व्यवसायिक तौर पे है। जैसे कि मैं अभी यहीं पे हूँ, फार्म में ही हूँ सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 20 गाय है मेरे पास, तो ये प्योर व्यवसायिक तौर पे है सर। इसी में हमारा पर्सनल भी हो जाता है, हम लोग पर्सनल तौर पे भी यूज करते हैं। आम बंदे को तो ये भी नहीं पता कि गाय तब दूध देती है जब वो गर्भवती होती है, जब उसका बच्चा पैदा होता है। तो थोड़ा आप इस बारे में उल्लेख करेंगे ताकि जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो जान सके कि कैसे दूध मिलता है, पूरा प्रोसेस एंड टू एंड क्या होता है। हमारे पास जो गाय है सर वो प्योरली चूंकि बिजनेस पर्पस के लिए है, तो हम लोग सर गाय को कुछ एक्स्ट्रा दाना देते हैं जिससे कि वो गाय ज्यादा दूध करती है। तो ज्यादा दूध करने से फिर क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा होता है, और बीच बीच में कुछ कैल्शियम वगैरह भी देते हैं ताकि गाय इतना ज्यादा दूध करती है तो उसका शरीर जो है सो कि बना रहे, शरीर कमजोर ना हो, क्योंकि ज्यादा दूध देने से गायों का शरीर कमजोर हो जाता है। हाँ, मिल्क फीवर हो जाता है, फिर वो बैठ जाती है। हाँ हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक गाय देखिए यहाँ पे सामने में जो है ये थोड़ी पतली है, लेकिन ये थोड़ा जैसे कि हेल्दी है। तो ये हम लोग गायों को हेल्दी रखने के लिए बीच बीच में दवाएं वगैरह देते रहते हैं ताकि गाय जैसे कि हेल्दी रहे। तो अब जो हमारे मुख्य सवाल है उस पे आते हैं कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है और अब दूध वो नहीं दे सकती, उसके बाद उस गाय का आप क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सर थोड़ा हिंदू समुदाय से है, तो हम लोग जैसे कि जो गाय अब दूध नहीं दे सकती है, मान लीजिए कि वो बूढ़ी हो गई है या वो दूध नहीं दे पा रही है, तो उस केस में जैसे कि फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनको जो भी व्यापारी होता है जो हमें नए गाय देते हैं, हम लोग उनको वो दे देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं उनके साथ, वो हमारे उन गायों का कम दाम देते हैं, तो जो भी नए गाय का जो दाम होता है उसमें हम लोगों का थोड़ा प्राइस कम लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि पुराना गाय का मेरा दाम है 10,000 रुपये, नए गाय का दाम है 60,000, तो मेरे को फिर 50,000 ही पेड करना पड़ेगा, तो हम लोग उन व्यापारी के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। पर आपने कभी सोचा नहीं कि जो गाय आपके किसी काम की नहीं है वो व्यापारी के किस काम आ रही होगी? एक्चुअली सर हमारे पास, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग बहुत सारी गायों को रख करके उनका सेवा कर सके। हमारे पास लिमिटेड जगह है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड लोग है, लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए सर हम लोग चाह करके भी जो है सो कि ऐसी गायों को नहीं रख पाते हैं जो कि दूध नहीं देती है, क्योंकि सर इसी से हमारा जीवन यापन चलता है। तो फिर सर हम लोग यदि इस तरीके से रखने लगे तो फिर हमारा खुद का जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो जाएगा सर। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि भाई वो आपका तो खर्चा बढ़ता जाएगा ना। पर जैसे व्यापारी आपको ऐसी गाय का पैसा क्यों दे रहा है जो दूध देती ही नहीं, वो उसका क्या करता है? उन लोगों के पास दो ऑप्शन होता है सर, या तो वो लोग अपने गांव भेज देते हैं, तो चूंकि गांव में वो हरा चारा खाती है और जो उसको जरूरत होता है वो चीज उसको मिलता है, तो वो गाय वापस से फिर जो है सो कि बूढ़ी गाय भी जो है सो कि वो मतलब स्वस्थ हो जाती है और बच्चा देने लायक हो जाती है, तो फिर वो व्यापारी क्या करता है कि उसको वापस से मार्केट में ला करके जो गाय को उसने मुझसे 10,000 में खरीदा था, तो वो मेरा ही गाय मुझे 60,000 में सेल कर देगा, पहला ये। और दूसरा, कुछ व्यापारी लोग आप जानते ही है कि जो मतलब अदर कम्युनिटी के लोग होते हैं, उन लोगों को हमसे 10,000 में खरीदा तो दूसरे जगह भेज देगा जहां पे उसको 10-40 मिल जाएगा, फिर आगे का प्रोसीजर तो आप जान ही रहे सर। तो अलग अलग व्यापारी का अलग अलग वो होता है। बेसिकली हम लोग इसका अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना चाहते हैं कि हाँ हम लोगों की वजह से ये मतलब वो गाय कट रही है या जो भी उनका आगे का कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे अब आपने देखा होगा, वैसे तो आप शहर में है तो आपको शायद इतना मुझे नहीं पता कि कितना आइडिया है, पर गांव में तो अब हाथ वाले ट्रैक्टर आ गए हैं। जैसे क्या था कि पहले तो बैल यूज होते थे बड़े बड़े खेतों के लिए, ठीक है, फिर बड़े ट्रैक्टर आ गए, फिर जो छोटे खेत है कम से कम उसके लिए ही लोगों ने बैल रखे हुए थे, अब छोटे खेतों के लिए वो छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं, हाथ वाले रोटो टिलर जिसे हम कहते हैं, तो बैल बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। तो आपका जो बछड़ा पैदा होता है उसका आप क्या? हाँ, जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, वो व्यापारी लोग ही सारा लेकर के चला जाता है, तो मतलब उसका दाम थोड़ा वो लोग कम देता है बछड़ा का, और जो बाछी होती है जो फीमेल होती है उसका वो लोग दाम थोड़ा ज्यादा देता है, तो वहां पे भी वही बात हो जाती है कि हम लोगों के पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि उस बच्चे को हम लोग रख सके। आप कह रहे हैं गांव में ले गए, वहां पे उसको दोबारा उन्होंने हट्टा कट्टा कर दिया और फिर बेच दिया, या फिर कई गाय कटने के लिए बिक जाते हैं। उसके बाद जो बछिया है, आप कह रहे हैं बछिया का तो ये है कि वो पालेंगे फिर वो बेच देंगे, चलो उन्हें मुनाफा हो जाएगा, बछड़े का वो क्या करते हैं? मान लीजिए वो मेरे से 10,000 में खरीद करके लेके गए, तो उनको यदि किसी गाँव के लोगों को रिक्वायरमेंट है तो उनको अच्छा दाम मिल गया तो वो तो उस किसान को दे देंगे, और नहीं तो फिर वो लोग वही करते हैं उसको बड़ा करेंगे ताकि उनका एक अच्छा दाम मिल जाए, जब उनको लगेगा ये अच्छा बड़ा हो गया है तो फिर वापस वो लोग जो है उसको
उसी लाइन में आगे प्रोसीड कर देते हैं। आप शायद बोलने से कतरा रहे हैं, पर उस लाइन में मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि कटने के लिए। हाँ, कटने के लिए सर, एग्जैक्टली। अब जैसे मैं यहाँ गांव में देखता हूँ, हमारे यहाँ गांव में बहुत सारी जो बेसहारा गाय हैं, बछड़े हैं, वो सड़कों पे होते हैं। अब या तो इसका दो कारण हो सकते हैं, एक तो हिमाचल में गाय काटना एकदम बैन है, तो या तो लोगों को बेचने को कोई ऐसा कोई व्यापारी नहीं मिलता, या फिर ये है कि लोगों को शायद बुरा लगता होगा कि भाई हमने इसको बचपन से पाला है, हम इसको कैसे कटने के लिए बेच दें, तो वो उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। पर भैंस मुझे सड़क पे एक भी नहीं दिखती। उसका मुझे दो रीजन लगता है सर कि भैंसे सड़क पे जो नहीं दिखती हैं, एक तो क्या होता है ना कि जैसे कि कटने वाला जो लाइन है उसमें उन लोगों को भैंस का प्राइस बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है सर। तो जैसे कि मान लीजिए सड़क पे उन लोगों को कोई भैंस दिखा तो लोग उसको तुरंत पकड़ लेंगे और मतलब उसको लेकर के कटने वाला लाइन में डाल देंगे। दूसरा रीजन ये है सर कि भैंस का क्या होता है ना, भैंस के प्रति समाज में जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा कम है। तो मान लीजिए कि एक भैंस भी घूम रही है रोड में, गाय भी घूम रही है रोड में, तो वो जो काटने वाला है वो भैंस को जब उठाएगा तो लोग उसका अपोजिशन कम करेंगे, लेकिन जब गाय को उठाएंगे तो लोग उसका अपोजिशन करने लगेंगे। और उसके बाद चूंकि भैंस में क्या होता है सर, वो मतलब कि जैसे कि उसका जो मीट होता है, जैसे कि वो लोग जो काटते हैं, तो मैंने कहा उन लोगों को उसकी प्राइस ज्यादा मिलती है। तो ये मुझे लगता है कि सर मतलब कि जैसे कि ये कारण है कि भैंसे रोड पे नहीं दिखती है। और तीसरा कारण ये भी है कि सर भैंस मान लीजिए कि रोड पे कहीं दिख रही है तो उसको लोग भी अपने पास जैसे कि रखना चाहते हैं, चूंकि भैंस मतलब एक तरह से कहे कॉस्टली होती है गाय के मुकाबले, तो उसको मान लीजिए कोई किसान भी है तो उसके अपने पास, क्योंकि भैंसों में क्या होता है सर गाय के मुकाबले बीमारियां कम होती है, तो उस केस में क्या होता है लोग भैंस को रखने में थोड़ा उनको मेहनत कम लगता है। मतलब उसको आप जैसे भी रख दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धूप में रख दीजिए, छांव में रख दीजिए, उसको सेवा कम करना पड़ता है। तो अंततः तो बात ये हुई कि अगर हमें दूध पीना है तो भैंस हो गई, बूढ़ी गाय हो गई, बछड़े हो गए, उन्हें कटना ही पड़ेगा या सड़कों पे घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डेयरी वाले बूढ़ी गाय पालेंगे, बछड़े पालेंगे तो वो क्या कमाएंगे, क्या ये कहना सही है मेरा? हाँ बिल्कुल सही है कि सर जब तक कोई भैंस हो या गाय हो, जब तक वो जो है सो कि दूध दे रही है तभी तक वो जो है सो कि लोग उसको अपने पास रखते हैं, और वरना फिर जो है सो कि वो घूम फिर कर भले मतलब थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा मतलब कि एक दो लंबा प्रोसेस उसको हो जाए, लेकिन घूम फिर के अल्टीमेटली वो वहीं चली जाती है कटने के लिए ही सर, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि भविष्य में हमें दूध से थोड़ा दूर होके उस तरह की चीजें करनी चाहिए जो थोड़ा प्लांट बेस्ड वाला दूध होता है, जैसे मूंगफली का दूध बनता है, सोयाबीन का दूध बनता है, तिल का बनता है, नारियल का बनता है, आपको लगता है कि ये बचकानी है मेरी सोच या भविष्य में इस तरफ जाना चाहिए? आप खुल के बताइएगा। इसमें मुझे ये लगता है ना सर, इसपे एक्चुअली मेरा भी थोड़ा मतलब आपसे विचार भी करना चाहूंगा इस पर, कि कहीं ना कहीं जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कटने वाले लोगों के समर्थन में होते हैं, उनका ये कहना होता है कि चूंकि ये जो गाय है या जो भी ये बछड़ा हो रहे हैं, आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा सीमेंस का, सीमेंट को डाल करके जो है कि बछड़ों को बनाया जाता है, तो उनका ये कहना होता है ना कि ये जो भी गाय है जिनको जो आज कटने के लिए जा रही है, इनको प्रोड्यूस भी हमने किया है। ये बात अलग है कि ठीक है उसमें जान है तो उसमें ईश्वर रूपी भगवान है, लेकिन उनका ये कहना होता है कि यदि अगर मान लीजिए कि इसका कॉमर्शियलाइज पर्पस के लिए यूज नहीं होगा तो इतनी गायें बनेंगी ही नहीं, मतलब इतने गायों का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और दूसरी बात है सर, जहां ठीक है हम लोग मानते हैं कि जो भी अदर चीजों की दूध होती है, जैसे मूंगफली का जो दूध होता है, मतलब कि जो भी इनका दूध होता है, तो उस डायरेक्शन में यदि अगर हम लोग जाते भी है सर, तो ये जो गाय है जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, जो इस लोग सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि समाधान क्या है सर? तो अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि आपको हर बूढ़ी गाय, हर गाय जो आपकी डेयरी से रिटायर हो रही है, आपको उसकी सेवा करनी पड़े, और हर बछड़ा जिसको आप पैदा कर रहे हैं उसकी आपको सेवा करनी पड़े, तो उसके लिए आपको और जमीन भी चाहिए होगी, आपको और लोग भी रखने पड़ेंगे, चारा भी और लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लगेगा, तो आपको क्या लगता है कि दूध की जो कीमत है उस समय कहां तक पहुंच जाएगी? वो दोगुना कर दीजिए सर लगभग, अभी 50 रुपए केजी हम लोग बेच रहे हैं, फिर हम लोगों को दूध का कीमत 100 रुपए केजी मिलने लगे, क्योंकि मतलब ऐसा भी होता है ना सर, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जो भी चीजों को सेल करते हैं, तो मान लीजिए जो दाना हमें मिल रहा है, तो ये यदि अगर इसका या तो दो ऑप्शन है, या तो मेरे दूध का कीमत बढ़ जाए या तो ये दाने का कॉस्ट कम हो जाए, तो दाना का कॉस्ट तो कम हो नहीं सकता है चारा का, तो फिर दूध का कीमत ही बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि डबल करना पड़ेगा। लोगों का क्या है कि लोग थोड़े ना दोगले होते हैं, हिपोक्रेट होते हैं, मतलब खुद उन्हें दूध भी सस्ता चाहिए लेकिन वो आपको भी गाली देंगे। तो मैं आपसे डालने से पहले पूछ रहा था कि
कि ये चलेगा ना आपको? हाँ हाँ डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत, मैंने जो भी प्रॉब्लम्स बताई है एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इसमें सभी कोई को आगे आ करके, केवल मेरे और आपके से नहीं, इसमें मास का सपोर्ट हम लोगों को कहीं ना कहीं चाहिए होगा, उन लोगों को भी इसमें विचार करने की जरूरत है, तभी हम लोग इसके एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं सर। एक सवाल मैं आपसे करना रह गया कि अगर दूध की असल कीमत 100 रुपए किलो है और आप 50 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बाकी, जो उसकी बाकी कीमत है वो खमियाजा बूढ़ी गाय को और बछड़ों को भुगतना पड़ रहा है इस समय? ऐसा कह सकते हैं सर, लेकिन इसकी भी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मतलब विचार करने वाली ही बात होगी सर, कि मान लीजिए कि 100 रुपए किसी को उसका प्राइस दिया जाता है, तो क्या वो जेन्युइनली फिर वो मतलब जो उनको उनके पास जो प्रॉब्लम्स है कि वो बूढ़ी गाय का या बच्चों का जो सेवा करे, वो सेवा करेंगे, या तो फिर मतलब वो उस लोभ में ही चले जाएंगे कि नहीं मतलब मेरे पास 50 बिक रहा था, मैं 100 ही बेचूंगा, लेकिन मैं जो काम कर रहा था मैं वो काम करता रहूंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सर मतलब कि उनको उस तरीके से जो कहते हैं सर जो फीलिंग्स होता है, जो प्यार वाला चीज होता है, वो कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा जानवरों के साथ सर, क्योंकि जब तक प्यार नहीं डेवलप होगा ना सर, तो फिर थोड़ी सी चीजें मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जानवरों से ना इंसानों को प्यार करना पड़ेगा, तभी जो है कि ये प्रॉब्लम मतलब जड़ से जो है कि सॉल्व हो सकती है सर। लोग कहते हैं कि भाई गोबर बेच दो, गौमूत्र बेच लो, पैसा उससे भी आ जाएगा। तो मैंने भी ये सुना, मेरे को भी कई डेयरी वालों ने कहा कि भाई ठीक है, अगर हम गौमूत्र और गोबर बेच भी लें तो हम उस गाय का बेचेंगे ना जो दूध भी देती है, हम बूढ़ी गाय का क्यों बेचें? तो वही है, मुझे लगा कि शायद प्यार सिर्फ पैसे से है, गाय से नहीं। हाँ सर ये कह सकते हैं, मतलब जो भी सिटी में जो डेयरी फार्म होती है तो यहाँ पे तो प्योर ये बात सही होती है, लेकिन गाँव के सीन में थोड़ा अलग हो जाता है। पर मैं तो यहाँ गाँव में हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ क्या होता था। पहले गाय रखना फ्री का इसलिए पड़ता था कि आपने गंदम लगाया, गेहूं गेहूं लगाया, तो उसके बाद आपने बीच में घास निकालनी है, वो जब आपने घास निकालनी है तो वो घास निकाल के आपने गाय को दे दी, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, ये पहले की बात है। आज क्या है कि वो स्प्रे चले हैं घास वाले, पहले स्प्रे मार देते हैं घास होता ही नहीं, गेहूं डाल दिया उसमें यूरिया डाल दिया, गोबर आपको चाहिए ही नहीं। तो यहाँ भी मेरे को तो यही दिखता है, सड़कों पे गाय जा रही है, जैसे जिस भी घर में गाय है मैं देखता हूँ बछड़े तो है नहीं, वो भी गाय तभी तक होती है जब वो दूध दे रही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि गांव और शहर में कोई बहुत ज्यादा फर्क रह गया है। मैं हिमाचल के गांव की बात कर रहा हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, तो मुझे तो हालात यहाँ भी खराब ही लग रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक है कि चलो आपने एक छोटी डेयरी बना रखी है, आपने पर्सनल यूज के लिए गाय रखी हुई है, वहां तक समझ में आता है, पर जब एक इंडस्ट्रियल स्केल पे एक कंपनी दूध को मार्केट करती है, आइसक्रीम बेचती है, पिज्जा का चीज बेचती है, वो मुझे ठीक नहीं लगता, खासकर क्योंकि वो उस पे ऐसे हैप्पी गाय की फोटो बना देती है और कहीं ये नहीं बताती कि इसके पीछे क्या दुख भरी कहानी है। खैर थैंक यू, आपने इतना वक्त दिया हमें, थैंक यू सर। तो सनोज जी की तरह ही अगर आप भी पशुपालन करते हैं तो हम आपका भी पक्ष आगे रखना चाहेंगे। प्लीज मुझे ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल है robin@peoplefarm.org, ये हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है, चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।